मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नरसिंह प्रतिंगरा मंदिर की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये नरसिंह प्रतिंगरा मंदिर क्या होता है। भगवान नरसिंह के उग्र रूप का प्रयोग हमेशा घोर से घोर विपत्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। विपत्ति किसी भी किस्म की हो, चाहे वो शत्रु के रूप में हो, चाहे वो दरिद्रता के रूप में हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे पारिवारिक संबंधों में तनाव की वजह से हो, पति पत्नी के संबंधों में दरार की वजह से हो, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में दरार की वजह से हो, किसी भी तरह के व्यवधान को, किसी भी तरह की समस्या को नष्ट करने का कार्य भगवान नरसिंह करते हैं। लेकिन इनके साथ में अगर प्रतिंगरा शक्ति को जोड़ दिया जाए तो ये शक्ति 10 गुना ज़्यादा कार्य करने लगती है और बहुत ही अचूक हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि जब आप मजबूर हों, जब आपने कुछ उपाय कर लिए हों और वो उपाय सफल न हो रहे हों, तब आपको नरसिंह प्रतिंगरा मंत्र का जाप करना चाहिए। ये जाप करने से जहां आपकी मानसिक आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, वहीं पर शत्रु किसी भी रूप में आपको परेशान कर रहे हों उससे आपको लाभ मिलता है, शत्रु के द्वारा तंत्र की बाधाएं आ रही हों उससे आपको लाभ मिलता है, नज़र संबंधी बाधाएं आ रही हों उससे आपको लाभ मिलता है, पति पत्नी में तनाव हो उनसे लाभ मिल जाता है, प्रेमी प्रेमिका में तनाव हो तो उससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यानी एक सांसारिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार के विघ्नों के निवारण के लिए नरसिंह प्रतिंगरा मंत्र बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इनकी साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उनकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने भगवान नरसिंह का फोटो लगा लें। ये फोटो आपको इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। अपने सामने रखें और 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। सामान्य प्राणायाम करना यानी जोर से सांस खींचना, जितनी देर तक हो सके रोक के रखना, फिर छोड़ना। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद अपने दोनों आंखों के बीच में यानी ये जो आगे चक्र है यहाँ पर ध्यान देते हुए नरसिंह प्रतिंगरा मंत्र ओम आम ह्रीम क्रोम ओम छम हंस ह्रीम श्रीम छ्रोम नरसिंहाय फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम आम ह्रीम क्रोम ओम छम हंस ह्रीम श्रीम छ्रोम नरसिंहाय फट। इस मंत्र का उपांश जाप करें यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी ये आपकी जो आवाज है आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, यानी बाहर उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे सुनाई न पड़े, इस बात का ख्याल रखना होता है। इस मंत्र को 11 माला 11 दिन तक जप किया जाता है। 11 माला 11 दिन तक जप किया जाता है। अगर किसी कारण से माला आपके पास नहीं है तो आधा घंटा इस मंत्र का जाप करें, लेकिन अगर माला है तो स्फटिक की माला से, तुलसी की माला से, लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, लेकिन याद रखें बहुत ही आवश्यक होने पर ही ये मंत्र की साधना की जाती है। अब जानते हैं इसके कुछ विशेष प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं,
खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई ना कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।